लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के रण में गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रवि किशन को देखने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए गोरखपुर के शहरी और ग्रामीण जनता को भारी भीड़ उमड़ रही है। रवि किशन यहां योगी और मोदी की ओर से किए गए विकास के नाम पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। तो रवि किशन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि गोरखपुर में आपको बता दें आखिरी दौर में ही चुनाव है और गोरखपुर में आज रोड शो भी होने जा रहा है और जगह जगह जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। हर कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है, क्योंकि वो भोजपुरी स्टार भी हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं गोरखपुर से। गोरखपुर जो सीएम योगी का गढ़ माना जाता है, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी इस बार हार गई थी जब लोकसभा का हुआ था। बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन है गोरखपुर से और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि इनके साथ योगी और मोदी के दो नाम हैं जिसको लेकर ये जा रहे हैं। सर, अब तो बस आखिरी कुछ घंटे बचे हैं, दो ही दिन बचा है, तो कैसे माहौल को देखा आपने अभी तक, चुनाव कैसे आगे बढ़ा आपका? देखिए, जब कर्म अच्छे होते हैं, जब कार्य अच्छे होते हैं, चुनाव खुद पब्लिक चिल्लाने लगती है और पब्लिक चिल्ला रही है मोदी जी, योगी जी, कमल निशान, कमल कमल, जातू जीत जेबा जातू, अरे जातू, हम बोलते हैं कि हम वोट भी नहीं बोलने तैयार है, जातू जीत गई ला, जातू जीत गई। जब कार्य अच्छा होता है, जब कर्म अच्छे होते हैं, जब कथनी करनी में अंतर नहीं होता, जब आपके प्रधानमंत्री की योजनाएं घर घर तक पहुंची है, गांव देहात तक, आपके पूज्य महाराज जी सीएम की योजनाएं जो स्वरूप स्वर्ग बनाया उन्होंने गोरखपुर को, तो लोग उत्साहित हैं, खुश हैं कि उनके साथ चीटिंग नहीं हुई, उनके साथ जात पात के नाम पर गद्दारी नहीं हुई, उनका खून नहीं चूसा गया, जनता का पैसा जनता में लौट रहा है आजादी के बाद, ये उत्साह है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की ओर है और एक मजबूत सरकार एक बार फिर मोदी सरकार बन रही है।